दोस्तों वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सारे लोग देखने जा रहे हैं फिल्म, चलते हैं देखते हैं आज टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं। वैसे पीछे घड़ी में जो है ज़्यादा टाइम दिखाता है, 20 मिनट फास्ट है। 3:25 की मूवी है और 3:15 हो चुके हैं और सारे लोग पेट पूजा कर रहे थे ताकि जो है खाना ना खाना पड़े वहाँ जाके। चलिए निकलता हूँ और लेके चलता हूँ आपको सिनेमा हॉल। ब्रह्मास्त्र लगे हैं, सारे लोग वही मूवी के लिए बड़े एक्साइटेड थे, तो 3D में तो अपने को मिल नहीं पाया, तो 2D में देखेंगे। दोस्तों इधर धूप बहुत हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, ये देखिए पसीना। और कार का AC भी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब हम लोगों को एक नई कार की ज़रूरत है, देखते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, तो YouTube मनी आ नहीं रहा, तो कार कैसे लूँ। बहुत सारी वीडियो देखी, YouTube मनी से लोग कार निकाल रहे हैं, मेरा चैनल ही नहीं चल रहा है यहाँ। और नहीं चल रहा इसलिए वीडियोज़ भी जो है डिले हो जा रही हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियो जो है नहीं आ पा रहे हैं। और आजकल काम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है ऑफिस का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। चलिए आज सैटरडे है, तो सैटरडे को जो है ये मूवी देखते हैं और इसका रिव्यू जो है मैं आपको बताता हूँ कैसी लगी मूवी। और इस बार सिस्टर जो है जो नहीं चलती थी, कोई मूवी नहीं देखती, वो भी एक्साइटेड थी इस मूवी के लिए, तो वो भी चल रही है और वो भी देखेगी ये वाली मूवी। हाय गाइस, दोस्तों सब लोग आ गए बैठ के, ये देखिए कार जो है छोटी पड़ जा रही है एकदम, जो है एक दूसरे के बगल में बैठे हैं चिपक के। अरे तेरे सिर पर भी पूरा पसीना है, यूजुअल स्टोरी, फिर हमेशा की तरह हम लोग लेट हो गए। लेट हो ही गए हर बार जो है आधी मूवी छोड़वा ही देती हो। अच्छा मैं और चाउमीन खा लूं, मैं तो चावल ही खाई हूँ, आप ही चाउमीन खाए। और ये चाउमीन लेने पहुंच गया दिन, चाउमीन खाऊंगा मैं वहाँ। एक्चुअली दोस्तों हॉल के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, तो हमने सोचा यहीं से पेट पूजा करके चला, तो चाउमीन जो है हमने यहीं खरीद के यहीं खा लिया घर पे ही। ये मिडिल क्लास थिंकिंग है, तो ये करना पड़ता है दोस्तों पैसे सेविंग करने के लिए। ये सेविंग टिप है, मम्मी को मन था इस वजह से आया, अचानक से मन हो गया हम लोग को खाने का। पैसे भी तो बचाने थे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा इसको कवर अप कर लो ये दोस्तों, ये पैसे तो बचाने भी हम लोग ताले लगा के जाते हैं हॉल में बैठने, निंजा उसके बाद निकलते हैं तब खुलता है ताला। कहाँ पे ताले लगा के, मुँह पे की पेट पर? मुँह पे ताले, हाँ तो वो तो लगाना ही पड़ेगा, बहुत महंगी चीजें देते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, क्या बताया जाए। नहीं क्योंकि भूख ही नहीं लगती कुछ खाने, घर से भर के जाते हैं सुन के घर से भर के जाते हैं, फिर बाहर जब निकलने का टाइम होता है 2.5 घंटे बाद, उसके बाद भूख लगती है कुछ। हाँ, तो 250 का पॉपकॉर्न नहीं खा सकते ना हम लोग, 250 में तो पूरा फुल प्लेट 10-15 प्लेट चाउमीन आ जाएगी। 10-15 तो नहीं आएगी, लेकिन 1-2 प्लेट 3 प्लेट तो आ ही जाएगी, मोमोज आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। 250 का 2.5 किलो सेब ले लेंगे हम लोग, सेहत के हिसाब से खाएंगे। हम लोग हेल्थ कॉन्शियस है और क्या, ये सब कहना पड़ता है दोस्तों। हम लोग पर्स में भर के लाए एप्पल ये सब कहना पड़ता है कि लोग सेहत के प्रति जागरूक रहे। अभी संभल के बैठिएगा, पहुंच गए हैं दोस्तों, लेट हो गए हैं दोस्तों, जल्दी चलते हैं। दोस्तों अब निकलते हैं, मूवी खत्म हो गई है, घर निकला जाए। अब रिव्यू ले लें सबका। मुझे तो लगा जो एक निक के ऊपर प्रोग्राम आता था अवतार द लास्ट एयर बेंडर, उसी के कॉन्सेप्ट पे थी। वो बेसिकली हवा को मोड़ सकता था, उसको अर्थ बेंड नहीं, मतलब जमीन नहीं मोड़ पाता था, अग्नि नहीं मोड़ पाता था, और भी चीजें थी भैया तो, ने देखा नहीं है कुछ भी तो वो सब नहीं मोड़ पाता था, वो लास्ट एयर बेंडर था अर्थ वाला, उसी जैसे प्रेरित मूवी लगी मुझे। अब बाकियों का रिव्यू ले लेते हैं। ओवरऑल जो है मूवी जो है ठीक ठाक है, इंडिया में बहुत ही कम लोगों ने वो कार्टून देखा होगा, तो लोगों को पसंद आएगी,
है ना, लेकिन मेरे लिए कुछ नया नहीं लगा। अच्छा, होने के साइड से रोकी है पीठा ले। अब बाकी लोगों का रिव्यू ले लेते हैं। बाकी ब्रह्मास्त्र के नाम पर ढेला, वो भी क्या आग का गोला ऐसे ऐसे उछाल रहा था, और कोई कहानी नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मीनिंग नहीं, बेकार। जब जरूरत पड़ी तो आग का गोला भी गए। वो भी गए, बिल्कुल बकवास मूवी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, कैसे लगी फिल्म? बिल्कुल बेकार, अच्छी नहीं लगी। सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की? देव ने। जो दिखाई नहीं। अब बावनी राय ने क्या दिया आलिया को? नागिन देखती थी मैं भी, नागिन से इसमें आगिन बन गई है। उसमें तो अच्छी दिखती थी, इसमें तो बिल्कुल। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग जो है 8 सालों में हुई है, जब आलिया भट्ट की ये पहली फिल्म है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जब शुरू हुई थी उससे भी पहले से इसी में काम कर रही है। आज 8 साल बाद जो है 2014 से शुरू हुई थी मूवी, 2022 में बनी। और इंडिया में बहुत लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट की मूवी नहीं देखी। ये मार्वल वाली सीरीज जो है एक्स मैन और इधर उधर, जिसमें ढेर सारे आपके मल्टी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स होते हैं, वो वाले कैरेक्टर जो है इसमें भी डालने की कोशिश की गई है। तो मम्मी को ये मूवी जो है अच्छी लगी नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी। और आलिया ने अपने पढ़ाई के पीरियड में एक की थी, अब उसके बच्चे देखेंगे, बचपना में एक पढ़ी थी, अब उसके बच्चे इस फिल्म को देखेंगे, तभी बताए कैसा लगा नहीं लगा। दोस्तों, अभी आ रहे थे हाईवे से ही जो है, पंछी पेठा से पेठा लिया था, पान पेठा, सोचा था घर आके खाएंगे। ये देखिए क्या निकला है इसमें। अब ये पंछी पेठा से जो है मन उठ गया है, आज से पंछी पेठा से नहीं खरीदेंगे। और आप लोग भी जो है पंछी पेठा से मत खरीदेगा, लोग बोलते हैं फेमस है फेमस है, और यही मक्खी वगैरह निकल रहा है। अब क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं है। इधर जो है सब लिखा है 150 रुपये का ये पेठा है, 400 ग्राम, जिसमें कि 12 पीस निकलते हैं। और ये फ़ोन नंबर भी दिया है इस पर, बहुत ट्राई किया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं। और ये 3 ही दिन पेठा चलता है, तो 3 दिन अगर पहले भी बना होगा तब भी इसकी ये हालत है। दुखी कर दिया पंछी पेठा ने, खाली नाम इसने बना लिया है, काम इसका कुछ भी नहीं है। तो ब्रांच जो है ये हाईवे वाली सिकंदरा वाली ब्रांच है, ठीक है। इसके जो है बहुत सारे फेमस है, हरी पर्वत वाला ब्रांच फेमस है, ये हाईवे पे ब्रांच खुली है, उस वाली ब्रांच से लिया है। और ये हाल है इसका, कहाँ से पंछी पेठा के बजाय किसी और पेठे वाली दुकान से खरीदेंगे। सारी शॉप पंछी पंछी लेके के बैठे हैं, और जो ओरिजिनल पंछी से भी खरीद के लाए तब भी ये हाल है कि इस पर मधुमक्खी निकल रही है, साफ मन खराब हो गया, इसको फेंकना पड़ेगा। चेंज कर लूं दोस्तों ये चीज़ें मूड ऑफ कर देते हैं। अच्छा खासा दिन जा रहा था, और शाम में देखा और पेठा खाने का मन हुआ, तभी देखा कि ये पड़ गया मक्खी इसके अंदर, तो मूड ऑफ हो गया, दिन लगा खराब हो गया। पिछली बार भी गए थे, चाउमीन में प्लास्टिक कोई सड़ा हुआ चिकन खिला रहा है, अभी मक्खी, तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चल रहा है ये सब, क्या चल रहा है। फूड में एडल्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है, और क्या ही बताऊँ, सेहत को बहुत ज़्यादा बाहर का फूड ख़राब कर रहा है। बाहर के फूड को अवॉइड ही करने चाहिए। बहुत दिन बाद जो है मन हुआ कि कुछ मीठा खा लूँ, पान पेठा अच्छा लगता था, उसमें भी ये निकल गया। चलिए दोस्तों, चेंज कर लिया मैंने, और अब जो है क्या ही बोलूँ, इस वीडियो का टाइटल भी समझ नहीं आ रहा क्या डालूँगा, ब्रह्मास्त्र रिव्यू डालूँ कि पान पेठा ख़राब मिला, कि डेली मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, जब भी कुछ बाहर का खाना खाने जा रहा हूँ तो यही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये लिखूँ कि रोका जा रहा है मुझे बाहर से खाना खाने, या हिंट मिल रहा है मुझे फूड में एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है इंडिया में,
मेरे आसपास ही इतने सारे एग्जांपल मिल गए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलिए आप लोग जो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, मैं भी देता हूं, और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली।